नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। डायबिटीज एक प्रिवेंटेबल डिजीज है जो लंबे समय में होने वाला कॉम्प्लिकेशन है। उनसे लोगों को कैसे बचाया जाए? लोगों को तभी बचाया जा सके जब लोगों और डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी हो। एबीसी डायबिटीज बोध कार्यशाला का आयोजन 16 से 17 को एक होटल में आयोजित किया गया है। इस कार्यशाला में जबलपुर के सभी डॉक्टर्स को आमंत्रित किया गया जो अपने अपने अनुभव लोगों से साझा करेंगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। डायबिटीज एक प्रिवेंटेबल डिजीज है जिसमें जो लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे अपन लोगों को बचा सकते हैं, पर बचा तब पाते हैं जब इसका इलाज सब बहुत अच्छा इलाज आम जनता तक पहुंच पाए। और इलाज पहुंचता है डॉक्टर्स के थ्रू। डॉक्टर्स को अगर हम सही ढंग से ट्रेन कर दें कि डायबिटीज़ में कौन सी दवाएं, कब इंसुलिन, किस तरह की टेक्नोलॉजी, कौन सा एक्सरसाइज, कौन सी डाइट लोगों तक मदद पहुँचा सकती है, शुगर कंट्रोल रख सकती है और लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है, तो आम जनता में कई लोगों का इलाज इम्प्रूव हो जाएगा और डायबिटीज़ से होने वाला पड़ने वाला बोझ जो हमारे समाज और देश पे आ रहा है वो कम हो जाएगा। इसी उद्देश्य से एक एबीसी डायबिटीज़ के नाम से कोर्स कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इस शनिवार और रविवार को 16 दिसंबर और 17 दिसंबर 2023 में होटल कृष्णा में ऑर्गेनाइज़ करी है। शाम को 7:30 से 9:30 के सेशन शनिवार को हैं और रविवार को सुबह 10 से शाम को 6 तक के सेशंस हैं। तो मेरा सभी डॉक्टर्स से अनुरोध है कि इस कॉन्फ्रेंस में आएँ और इस कॉन्फ्रेंस में शिद्दत करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे बाकी लोग सीखें और बाकी लोगों के नॉलेज और एक्सपीरियंस से खुद भी सीखें और इलाज इम्प्रूव करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर विशाल कस्तवार। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।